जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो तो जैसा कि आप सबको पता है 9 जनवरी से यहाँ पर आपके मेडिकल यहाँ पर स्टार्ट हो चुके और लगभग अभ्यर्थियों का यहाँ पर बात करें तो सभी सेंटरों की अगर एवरेज यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो लगभग कल जिनका मेडिकल हुआ था उनका कल मेडिकल पूरा नहीं हुआ तो आज उनका यहाँ पर फाइनल मेडिकल हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर हमारे पास में कॉल भी आया, उन्होंने बताया कि सर 150 अभ्यर्थी हमारे यहाँ बुलाए गए थे जिसमें से 25 अभ्यर्थी अपसेंट रहे थे और यहाँ पर 125 अभ्यर्थी थे जिनमें से मात्र 60 ही अभ्यर्थी यहाँ पर मेडिकल फिट हो पाए। तो दोस्तों मेडिकल का लेवल बहुत हार्ड हो रहा है, ये रिपोर्ट आपके जोधपुर सेंटर की। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर सेंटर की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेडिकल है वो बड़ा हार्ड हो रहा है, लगभग बात करें तो 50% अभ्यर्थियों को मेडिकल में बाहर किया जा रहा है और 50% अभ्यर्थी मेडिकल में यहाँ पे पास हो रहे। दोस्तों मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की रिपोर्ट की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर ओवरवेट में बाहर किया गया, जबकि साथ में एक अभ्यर्थी को यहाँ पर नाक में रेपर बनाया गया था, एक को नोकनी में बनाया गया था। मतलब इसी प्रकार सबसे ज्यादा आपका हार्ड अगर यहाँ पर मेडिकल की बात करें तो जोधपुर के मेडिकल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। जोधपुर जो मंडो रोड BSF का मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें यहाँ पे लगभग 50% अभ्यर्थियों को मेडिकल में अनफिट किया गया है और जो अभ्यर्थी फिट हो जाते हैं उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कागज नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो अभ्यर्थी अनफिट हो रहे हैं उनको एक कागज दिया जा रहा है जिसमें उनको साइन करना है और उसके बाद वो एक डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे यहाँ पे परामर्श लेके वापस एक बार अपील करने का यहाँ पर आपको मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों आप मेडिकल के लिए जा रहे हो तो इन खास बातों का भी आप ध्यान जरूर रखिए, अपने कान साफ करा के जाइए, साथ में आराम से ना धो के जाइए, पूरी नींद लेके, ताकि आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाओ, क्योंकि मेडिकल का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। इसी को देखते हुए अगर दोस्तों मैं बताऊँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेडिकल पैरामिलिट्री का ज़्यादा इजी नहीं होता है, आर्मी से थोड़ा इजी होता है, लेकिन ज़्यादा इजी यहाँ पे नहीं होता, तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। जो मेडिकल फिट हो गया उन सभी को यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको 2.5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे पास किए गए और मेडिकल में 50% अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो एक पोस्ट के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थी बच रहे जिसमें से आधा गुना आपका अपसेंट रह रहे, तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए एक ही अभ्यर्थी का कंपटीशन रह रहा है बहुत सारी जगह। तो फिर भी सेकंड लिस्ट यहाँ पर आने वाली है, सेकंड लिस्ट वालों को भी यहाँ पर बड़ा मौका मिलने वाला है। दोस्तों फिर से मैं आपको शाम के जैसे ही अदर सेंटर की मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूँ सभी सेंटरों की। आपका मेडिकल कौन से सेंटर में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और कितनी तारीख को आपका मेडिकल है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों SSC GD कॉन्स्टेबल के मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या नोटिस आता है तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।